और ये बहुत पर्सनल चीज़ है, ये सा थोड़ा इमोशनल होना, वो सब मेरे को कैमरे के सामने वैसे भी करने का नहीं है। तो हाँ, बस दुआ कर सकते हैं, अल्लाह करे छोटंकी संभाल के रहे। तुम लोग भी अगर जो भी देख रहे हैं मेरे को, प्लीज़ दुआ करो कि छोटंकी संभाल के रहे जहाँ पे भी रहे, अल्लाह ना करे उसको कुछ हुआ हो, बस और कुछ नहीं। और किसी को अगर आगे जाके, मेरे को बहुत लोग जानते हैं, और अगर किसी के पास भी छोटंकी है, प्लीज़ संभाल के रखना उसको, प्लीज़ संभाल के रखना प्लीज़। मैंने उसको इतनी सी चीज़ अब लेके आया था मैंने उसको, और वो फॉर श्योर डेफिनेटली मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ, अगर वो इतने एरिया में रहती थी ना, वो कहीं नहीं जाती थी, क्योंकि वो इतनी सी बिल्ली है ना, और वो बिल्लियों को आदत हो जाती है, और वो कहीं पे भी जाएगी आ ही जाएगी। तो किसी ने उसको लेके ही गया है। बस तो आज इलेक्ट्रिक बस में आया, मतलब पहली बार मैं इलेक्ट्रिक बस में बैठा हूँ, और नवी मुंबई वाली इतनी सही रहती है ना, मस्त है, एसी में आओ और टिकट भी उतना ही। जो अलग एसी बस रहती है पेट्रोल डीजल वाली, उसका टिकट ज़्यादा रहता है, पर इसका सेम ही, मतलब ऐसा एकदम कम ही टिकट रहता है, क्योंकि मैं मिडिल क्लास हूँ। इलेक्ट्रिक है ना, बहुत चुम्मा था, अभी अपना काम हो गया बेसिकली। जिधर जो लोकेशन का मैं काम कर रहा हूँ ना, वो लोकेशन अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, तो इसलिए मेरे को अंदर दिखाने को भी अच्छा नहीं लगता, और अंदर कुछ किए करने को थोड़ा थोड़ा सा, थोड़े थोड़े से ग्लिचेस दिखते रहेंगे, बट हाँ कुछ अपने को ज़्यादा नहीं दिखाने का है, कुछ ऐसा जो गलत वलत लगे तो। आज स्काई देखो क्या हो गया है, मस्त एकदम, वहाँ पे एक बादल आया है बट वो दिख रहा नहीं है अभी, तो देखो वाओ ब्रो क्या लग रहा है ना, क्या लग रहा है यार, ओहो एकदम गोल्डन आवर। मेरा एरिया छोड़ के ना वाशी में, मेरे को ये वाला एरिया बहुत सही लगता है, ये बेलापुर है, बट ये वाला एरिया मेरे को बहुत चुम्मा लगता है, क्योंकि ये एरिया इतना शांत भी है, और इतना मस्त मस्त बिल्डिंग है ना यहाँ पे, लिटरली क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे फोटोज़ वोटोज़ भी कितनी चुम्मा आती है ना, यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते भी है। सो लिटरली मेरे को वो एरिया इतना चुम्मा लगता है ना, अगर मतलब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए वो एरिया काफी अच्छा है, और मेरे को काफी चुम्मा भी लगता है, और काफी रहने के लिए काफी सही लगता है। हाँ बट वो दूर है बेलापुर में, इसलिए हाँ, बाकी मेरा एरिया तो बेस्ट ही है, क्या ही बताए उसके बारे में। अभी हम मस्त चुम्मा वाला वर्कआउट कर लेते हैं, 11:30 बज रहे हैं, मेरे को मेरा 4 दिन से वर्कआउट छूट रहा है, क्योंकि एक्चुअली कैसा बताया, वो फूड ट्रायल्स की फोटोज है, और फूड ट्रायल्स की फोटोज में अपन चेप लेते हैं, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल, तो चेपने के चक्कर में घेपना चले जा रही है, बिस्कुट गायब हो जाएंगे, समझ रहे हो भावनाओं को। तो अभी अपन मस्त वर्कआउट करते हैं, और सीधा पोस्ट वर्कआउट में मिलते हैं। सो अब हम पोस्ट वर्कआउट में तो नहीं मिले, बट अभी हम सीधा नाश्ते पे मिल रहे हैं, सीधा मैं मतलब पोस्ट वर्कआउट वर्कआउट खा के ऐसा सोया था ना, तो फिर मतलब एकदम ठूस हो गया था। और मेन चीज़ अभी एक बहुत अजीब सी चीज़ हो गई है कि छोटंकी जो है मेरी, जो छोटी वाली बिल्ली ग्रे कलर की, वो कहीं पे चली गई है, अभी समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे चली गई है। मतलब परसों वो 2 अक्टूबर को सुबह में ऐसा निकली थी, मतलब लोग ऐसे बाहर जाते हैं, बिना भी बाहर जाता है ऐसा, एक रात को कभी नहीं आता है, बट वो आ जाता है वापस, और वो अभी तक नहीं आई है वापस, और होती है तो वो इधर ही आजू बाजू ही होती है, मेन समझ ही नहीं आ रहा है कि किधर गई है, बहुत अजीब सा लग रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो एक दिन आई और ऐसी चले गए, उन्होंने उसको पाले अच्छा टाइम, तो बहुत अजीब लग रहा है, मतलब सोच सोच के फिर ऐसा लगता है यार, सोचते रहो। अगर कोई आजू बाजू रहता है, किसी को पता है, मतलब देखो यार, और मेन सीन ऐसा भी है कि बिल्ली वैसी टाइप की बहुत सारी बिल्ली रहेगी तो ही, बट फिर भी अगर किसी को दिखता, हम लोग तो देख के समझ ही जाएंगे कि कैसी बिल्ली है, बट अगर किसी को पता चलता है तो प्लीज़ बताओ किधर गई है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। अभी हम लोग देखने वाले हैं कैमरे वैमरे में भी, CCTV में, वो मस्जिद का CCTV है, देखना पड़ेगा किधर चली गई। किसी ने लेके गया रहेगा ना उठा के, तो चलो किसी ने अच्छे ने लेके गया रहेगा तो चलो उतना नहीं होएगा, बट अगर कुछ हुआ रहेगा तो फिर वो बहुत। नाश्ता करते देखते क्या चाहिए। ओहो मच्छी आया आया आया, नीचे 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 मच्छी।
बोम्बल बोम्बल सारा जिंदगी हो तो ऐसी कुछ ना करना पड़े और बोम्बल मिले, ये मिले, वो मिले, सब कुछ मिले। और भाई मतलब लिटरली इतना ढूंढे बट छोटंकी कहीं पे भी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चले गई यार। मेरे को लगता है ना किसी ने उसको लेके गया है, या तो फिर समझ नहीं आ रहा है। अभी हम लोग को CCTV चेक करने वाले हैं मस्जिद का, बट एक्चुअली वो जो चेक करते वो है नहीं, तो भी समझ नहीं आ रहा है। बस मैं दुआ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हम लोग ने पूरा ढूंढे, जितना एरिया ढूंढ सकते थे हम लोग ये एरिया में पूरा ढूंढे, बट बिन्ना को भी हम लोग सोचे कि बिन्ना उसको जाके लेके आएगा। मेरे को लगता है ना किसी ने उठा के लेके चले गया, किसी को ऐसा लगा रहेगा कि क्यूट सी बिल्ली है और उठा लेते और लेके चले गया रहेगा। मेरे को तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी उसकी ही लग रही है, क्योंकि अगर वो कहीं पे भी गई होती थी ना तो वो आ जाती थी। पर समझ नहीं आ रहा है। बस मैं बस अल्लाह से ये दुआ करूँगा कि वो सेफ रहे, और हर टाइम मैं वही दुआ कर रहा हूँ कि वो सेफ रहे बस, और कुछ भी ना हो उसको। बाकी यार तुम लोग भी दुआ करो, मैं मोस्टली मैं सच्चे दिल से अगर तुम लोग दुआ करोगे वो वापस आ जाए कैसे तो बस। अगर कोई मतलब अगर मैं कभी बहुत सारे लोग मेरे को देखते हैं, अगर किसी के पास छोटंकी है, किसी ने लेके गया, तो प्लीज़ संभाल के रखो उसको, प्लीज़ संभाल के रखो। और बस मैं यही बोल सकता हूँ, छोटंकी संभाल के रहना। अच्छी में यार मैंने उसको लेके आया था अच्छे से। बस चलो अभी ये टॉपिक ये करते हैं बस। मैं ऐसा नहीं है कि मैं छोटंकी को ढूंढूंगा नहीं, अभी मैं भी ट्राई करूंगा जितना हो सके, कहीं ना कहीं से अगर ऐसा लगता है, हर टाइम लगता है कि वो अभी आएगी खिड़की से, अभी आएगी खिड़की से, बट चलो अभी क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। अभी CCTV देखेंगे, अगर इंशाल्लाह अल्लाह करे कुछ हो जाता है उधर से तो, वरना फिर बस और कुछ नहीं कर सकते। चलो अभी नहाने जाते हैं, काम के लिए निकलना है, और काफ़ी मतलब दबा के चीज़ें चालू है लाइफ में, मतलब सब कुछ सॉर्ट कर रहे हैं अपन, हो जाएगा इंशाल्लाह सब कुछ सॉर्ट। 2021 ब्लास्ट ईयर था, ऑलमोस्ट 3 महीने बचे ख़त्म होने वाला है। हुई कुछ बुरी चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें, लाइफ ऐसी है। आओ मत इधर कोई, मैं जा रहा हूँ नहाने। जल्दी करो। हाँ हमारा पानी भर चुका है, गरम गरम पानी मस्त। आज अपन फुल ड्रेसिंग मार के जाएंगे, वाह। वैसे तो अपन वैसे ही ड्रेसिंग मारते ना, हॉट एंड हैंडसम। अबे साले चलो पीले गगन में। यही ब्लॉगिंग बच गई थी अभी। चलो चलो आपका हीरो हीरा रेडी है, एकदम चुम्मा बन के, एकदम हॉट एंड हैंडसम बन के निकला जी। आया अभी फटाफट, चलो कैमरा वैमरा पैक कर लेते हैं। चलो एकदम स्कूल वाली फीलिंग आ रही है। दस जब भी मैं ऐसा बस के लिए रुकता हूँ ना, मेरे को एकदम मेरे स्कूल की याद आती है। इतना रुका हूँ ना मैं बस के लिए, बहुत मज़ा आता है। तो बस इधर पे बहुत लेट आती है यार, और बहुत घुमा के भी लेके जाती है, बट वो ये AC वाली इलेक्ट्रिक बस है, और ये बस स्टॉप मेरे घर के एकदम बाजू में ही है, तो एकदम टेंशन ही नहीं है। आराम से AC में जाओ और चिल मार के, और बस बहुत लेट आती है यार, बहुत भगता है। कोई होता था ना तो ज़्यादा मज़ा आता था, ऐसा मैं स्कूल के टाइम पे ब्लॉग करता था, कितना मज़ा आता था। तो हाँ आज भी मैं इलेक्ट्रिक बस में बैठ गया है, और अभी काम काफ़ी, मैं बहुत पहले आ चुका हूँ बट अभी मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग करने का, काम काफ़ी अभी लंबे टाइम तक चलने वाला है। तो अपन ये ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर देखेंगे उसके बाद नया ब्लॉग चालू करेंगे। अभी मेरे को अभी पता नहीं, मेरे को बहुत कंफ्यूज हूँ मैं, अभी बहुत सारी चीज़ें मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, आई होप जल्द से जल्द फिगर आउट हो जाएगी। और व्लॉग्स, और ये मैंने तो व्लॉग्स मेरे को डालने का बट मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, बस मेरे को जब मौका मिलता है अपन बना लेते हैं व्लॉग। तो मोस्टली देखो मेरे को चीज़ें ना रियल रखने की है, जो भी मैं कर रहा हूँ, देखो बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बहुत ऐसी होती है जो मतलब बता नहीं सकता, अभी नहीं बता सकता, बट 10 साल बाद बता सकता हूँ, 5 साल बाद बता सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हो रही है लाइफ में। आई होप सब कुछ ठीक हो, सब कुछ जैसा प्लान, तो देखो प्लान है बहुत कुछ, बट जैसा प्लान करते हैं वैसा नहीं जाता है सब कुछ।
देखते अभी। और कैफे में काम करने की बात जब मैंने किया था तब मेरा मतलब कैफे में ऐसा कैफे में बैठ के फुल ऐसा काम वाम करना ऐसा मेरा एक बकेट लिस्ट में था हमेशा से, वो पूरा हो गया। अब मेरा ऐसा बकेट लिस्ट में था कि मैं ऐसा एक ऐसा होटल रूम में भी बैठ के काम करूँ। तो बेसिकली अभी कैफे वैफे तो रात तक बंद हो जाएगा ना, तो अभी काम ज़्यादा लंबे तक चलेगा, तो इसलिए अपन अभी मस्त ऐसा रूम में बैठ के चिल काम एकदम। मतलब अब चालू हुई है ना भाई एकदम ड्रीम लाइफ, अब मजा आएगा वीडियो। पर फिर भी नो कुछ बोलना नहीं चाहिए, अल्लाह देख लो बस। हाँ तुम लोग दुआ कर सकते हो, ऐसे ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग कौन से भगवान को मानते हो, बस तुम लोग दुआ कर सकते हो तो छोटंग के लिए दुआ करना कि वो मिल जाए, या तो फिर जहाँ पे भी रहे वो सेफ रहे। बस ये ब्लॉग को इतना फंबल क्यों कर रहे हो, ये ब्लॉग को इतना रखते हैं। दैट इज इट फॉर द ब्लॉग, तब तक लाल सी उधर लाल सी हंसते रहो मुस्कुराते रहो।